मुझे कह रहे हैं कि माफियाओं की उत्पत्ति और विकास के कारणों से संभवतः आप अवगत नहीं हैं। मेरा माफियाओं से ज्यादा लेना देना नहीं था, हो सकता मैं अवगत ना हूं, लेकिन आपने जो तर्क दिया है कि माफिया ऐसे स्थानीय व्यवसायों पर तेजी से पनपते हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी में होते हैं, या ऐसे स्थान जहां पर व्यवसायों को वैध तरीके से संचालित करना दुष्कर हो, और इसलिए वैधानिक ढंग से संचालित हो। अब इसका मतलब तो ये है कि आप हर गांव में खोल दो शराब की दुकान, या हर गांव में कहा होम डिलीवरी करवा दो घर पे ही, सीधे पहुंच जाए वहीं पियो। अगर आपका तरीका ये है माफियाओं को खत्म करने का कि संगठित अपराध माफिया इससे खत्म होंगे, तो फिर काहे को इतना बड़ा आबकारी विभाग का अमला बनाया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अवैध रूप से शराब अगर कहीं बिकती है तो वो कार्रवाई करें, रोकें? ये तर्क माननीय मुख्यमंत्री जी गले में उतरने वाला नहीं है।